मेरा निवेदन परमानंद भट्ट आप उसी तरह से स्वागत करें अपनी माटी के बेटे को कैसे सम्मानित किया जाता है मित्रों, क्योंकि जब ये हैं तभी ये हैं। मैं कहना चाहता हूं दीपक, मेरे पास में एक वो व्यक्ति था, मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि जब एक मालिन जब फल बेचने जाती है और वो अपना टोकरा सजाती है तो सबसे जो सुंदर फल होता है उसको सबसे ऊपर रखती है ताकि उसकी आड़ में सड़े गले सब फल भी बिक जाए। दीपक वो मेरे पास फल था, लेकिन जब ये टोकरा खुला तब मालूम पड़ा कि वो फल जिनके सहारे था इन सबके भरोसे ही वो फल टिका हुआ था। तो ये सब इनकी भी अपनी ताकत है मित्रों, एक बार जोरदार तालियां भाई परमानंद भट्ट के लिए अपनी गजल के लिए। मित्रों आपने ओज की बात सुनी, आपने व्यंग की बात सुनी, मैं आपका रिश्ता आपके दर्द से जोड़ना चाहता हूं। वो दर्द जो पूरे देश का दर्द बना था, वो दर्द जिसको पूरे देश ने महसूस किया था, और मैं मेरे कवि मित्रों को बताना चाहता हूं कि उस दर्द को मेरे जालोर ने भी महसूस किया था। उस बेटी का दर्द, वो बेटी होती जिंदा होती क्या होता, कैसी बातें होती, थोड़ी सी बात मैं अपनी आपसे जोड़ना चाहता हूं। उससे पहले एक अग्रित कवि की बात है कि अपने दामन में एक भी फूल नहीं, अपने दामन में एक भी फूल नहीं, सिर्फ जंगली झाड़ियों के कांटे हैं। वाह वाह वाह। अपने दामन में एक भी फूल नहीं, सिर्फ जंगली झाड़ियों के कांटे हैं, और यही ले दे के अपनी पूंजी है, यही ले दे के अपनी पूंजी है, हमने आपस में जख्म बांटे हैं। मित्रों अब थोड़ा हम जख्म बांटते हैं, दर्द की बात करते हैं, उस बेटी की बात करते हैं, आपसे जुड़ना चाहता हूं, आशीर्वाद चाहूंगा उस बेटी को। मैं कह रहा हूं वो बात करना चाहता हूं मित्रों, ये हंसी की बात नहीं है, मैं उसे कहना चाहता था कि बार बार मरने से बेहतर, बार बार मरने से बेहतर बेटा तेरा मर जाना। बार बार मरने से बेहतर बेटा तेरा मर जाना, और नामुमकिन होता तेरा बेपर्दा गुजर जाना। बार बार मरने से बेहतर बेटा तेरा मर जाना, और नामुमकिन होता तेरा बेपर्दा गुजर जाना, और लाख लिबासों के भीतर, लाख लिबासों के भीतर ताक झांक जारी रहती, लाख लिबासों के भीतर ताक झांक जारी रहती, कितना मुश्किल होता तेरा पहले सा सवर जाना, कितना मुश्किल होता तेरा पहले सा सवर जाना, और संग हवा के डाली पर, संग हवा के डाली पर जो महक रहा था मस्ती में। मित्रों ध्यान चाहूंगा थोड़ा सा कि संग हवा के डाली पर जो महक रहा था मस्ती में, अरे रुला गया सारी बगिया को गुल का यूं बिखर जाना। संग हवा के डाली पर जो महक रहा था मस्ती में, और रुला गया सारी बगिया को गुल का यूं बिखर जाना। और उस दिल्ली गैप कांड के बाद की स्थिति क्या है देश की, दो शेर उसके लिए कि हर घंटे मोबाइल से, क्या चाहूंगा कि हर घंटे मोबाइल से मम्मा पूछे हाल चाल, हर घंटे मोबाइल से मम्मा पूछे हाल चाल, कुछ ज्यादा ही डरा रहा है बेटी का शहर जाना। हर घंटे मोबाइल से मम्मा पूछे हाल चाल, कुछ ज्यादा ही डरा रहा है बेटी का शहर जाना, और अम्मा की आंखों के आंसू ये आशीष देते हैं, अम्मा की आंखों के आंसू
यह आशीषें देते हैं, खूब लिखकर पढ़कर बेटी सही सलामत घर आना। धन्यवाद।